एमडी होम्योपैथ औरंगाबाद महाराष्ट्र से। आज 17 सितंबर 2022 के मेरे यूट्यूब लाइव पे सबका स्वागत करता हूँ। लगभग 3-4 दिनों बाद आज मैं लाइव आया हूँ। मैंने कहा भी था कि मैं अब लाइव जरा थोड़ा कम करने वाला हूँ। क्या है जो कुछ बोला है वो होगा, और उसको होने के लिए जो टाइम लगने वाला है ना, वो टाइम का कुछ लोगों को बहुत जल्दी है। किधर है कुछ भी बोलता है, किधर है, क्या हो रहा है। मैंने कहा ना कि हम जब जाते हैं डायमेंशन में, तो हमें डेट नहीं दिखती है, सिचुएशन दिखती है, डेट आगे पीछे हो जाती है। मैंने आपसे कहा था कि फूड क्राइसिस आने वाला है, और तो बहुत लोगों ने कहा इधर है फूड क्राइसिस। एक लड़का तो इतना पागल हो गया था लोगों के बहकावे में आके, क्या हमें ऑफ ग्रिड जाना है, ये करना, यहाँ से भागो, वहां से भागो, जंगल में चले जाओ। उनका ही चालू है, मुझे कुछ पता नहीं, उनका ही चालू है। वो बावले से कर रहा था, उसके घर में उसकी बहन परेशान होगी, उसने मेरे को फोन करके मेरे को धमकी दी, तेरे पे एफ आर आई करूंगी। बोला तेरा भाई पागल हो गया है तो तू मेरे पे एफ आर आई कर रही है। ये कौन सा केस है यार, ये कौन सी सिचुएशन है। तेरा भाई तेरी बात नहीं सुन रहा है, तू एक्सपेक्ट कर कि मैं तेरी बात सुनूं, वीडियो नहीं डालूं। ऐसे नहीं होता है, दुनिया ऐसे नहीं चलती। बोला मैडम खुद के खुद को संभालना पड़ता है, खुद के भाई को खुद को संभालो, उसकी फटी पड़ी है, समझा उसको, फटे फाड़ मत, समझा उसको। तब जो मेरे पे बोल रहे थे, तब जो मेरे को बोल रहे थे कि इधर है फूड क्राइसिस, आप ऑफिशियली बाकी के यूट्यूबर्स भी बोलने चालू कर दिए हैं। मैंने आपको दिखाया किस तरह से भारत सरकार बाहर से गेहूं चावल इंपोर्ट कर रही है, खुद का तो बेच दिया सब कुछ, खुद का तो एक्सपोर्ट करके पूरा का पूरा गोडाउन खाली कर दिए है, अब लोगों से भीख मांग रहे हैं। कल मैं किसी का तो भी देख रहा था एक वीडियो, कल नहीं 2 दिन पहले, वो जो मैस्टुबेशन की पोस्ट डाली ना मैंने फेसबुक पे, उसका रीजन है एक सो कॉल्ड मेडिटेशन एक्सपर्ट कह रहा है कि मैस्टुबेशन से जो है वो आपके ध्यान साधना में उसका असर गिरता है। भाई साहब, ध्यान साधना और खान पान, इससे तुम्हारा धर्म के साथ, तुम्हारे मेडिटेशन के साथ, तुम्हारे कर्मा के साथ कोई रिलेशन नहीं है। क्या ये सबसे पहले समझ लो आप, कोई तो भी आके आपको बोलता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ उसका और मेरी बात समझ लो, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सीधी बात है, मेडिटेशन ये आपकी जो है, अगर पूर्व जन्म में आपने कोई कुंडलिनी का, आपका अगर अवेकनिंग का आपने प्रयास किया होगा, तो इसमें वो अवेकनिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। और एक मेरे को ये समझ में नहीं आता, मोदी डिसाइड कर ले पहले कि भाई तेरे को चाइना से युद्ध करना है या चाइना के साथ बैठ के पकौड़े खाने हैं, पहले ये डिसाइड कर लो मोदी साहब। आप जाते हो SCO में, वहां पे जाके कॉन्फ्रेंस करते हो चाइना के साथ में, कॉन्फ्रेंस में आप एग्रीमेंट साइन करते हो कि नो वॉर, सीज फायर होगा, अपने अपने सैनिक पीछे लिए जाएंगे, भारत ने अपने एक्चुअल लैंड का हिस्सा छोड़ दिया, और भारत जहां पे हम पहले जाते थे उससे 150 किलोमीटर हम पीछे अब गश्त लगा रहे हैं। ठीक है, ये भी मान लिया हमने,
आपने लोगों को चूतिया बना दिया, लोग बन गए, हमने वो भी मान लिया, अंधा भक्त कोई फर्क नहीं करता, हमें वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मगर तेरे मीडिया वाले जो तुमने जापान के साथ जो पैसिफिक समुद्र में नौसेना उभी की है, खड़ी की है, मेरा मूड नहीं था सुजीता कुमारी जी, मेरा मूड नहीं था, मेरा मूड खत्म हो रहा है। लोगों को फोकट में आके ज्ञान दे रहा हूँ ना, तो लोगों को उसकी वैल्यू नहीं है, इसलिए ना अब मैंने सोचा कि मेरा आना जरा कम कर डालूंगा, जब मेरा दिल करेगा। आज मेरा दिल किया, क्यों किया, क्योंकि ये जो जापान और इंडिया ने जो सैनिक खड़े किए हैं हिंद महासागर में, और ये मोदी मीडिया लगी पड़ी है कि देखो देखो कैसे भारत चाइना को लाल आंखें करके दिखा रहा है, चाइना की फटी पड़ी है, चाइना डर गया। भाई साहब मोदी डिसाइड करो, तुम्हें चाइना से युद्ध करना है या चाइना को लाल आंखें करनी है? हाँ बेवकूफ भरी एक बहुत बड़ी मिसाल जो है ये मोदी गवर्नमेंट दे रही है, बहुत बड़ी मिसाल। इनको ही डिसाइड नहीं करते आ रहा है कि हमें करना क्या है। तो आपको युद्ध करना है, आपको नहीं करना है, करना क्या है? एक तरफ आप नखरे कर रहे हैं, एक तरफ आप ड्रामा कर रहे हैं, एक तरफ आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, सब डाइवर्जन चल रहा है, सब टाइम पास चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, सब टाइम पास चल रहा है। आप लोगों को बेवकूफ बना के एक नए नए कांड हो रहे हैं। बाकी के लोगों का कोई लेना देना नहीं, तुम लोग लगे पड़े हैं अपनी मीडिया के साथ। वहां पे लखीमपुर में दो दलित लड़कियों का, बहनों का बलात्कार हुआ, अब अगले 4 महीने बस वही चलेगा। नहीं बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, मगर हुआ क्यों है? और वो होता बराबर यूपी में ही क्यों होता है? योगी आदित्यनाथ के ही राज्य में वो क्यों होता है? पहले हथरज हुआ, अब लखीमपुर हुआ, बराबर उसी के राज्य में क्यों होता है ये चीजें? एक्शन में नहीं लेता है कोई। और सबसे गंदी बात है कि हथरज में भी दलित लड़की थी, लखीमपुर में भी दलित लड़की है, और दलित लड़की रही तो ये मीडिया वाले उस चीज को एक अलग एंगल से प्रेजेंट करते हैं। मैंने कहा ना, जाति व्यवस्था ये बनाई गई है सिर्फ तुम लोगों को कंट्रोल करने के लिए, और जब होगा सब कुछ सेटल तब जाति व्यवस्था नहीं रहेगी, दो ही जातियां रहेगी, ह्यूमैनिटी एंड द एलियंस, और कुछ नहीं रहेगा।